नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है खबरें हिमाचल प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि। खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राज्य शहीद स्मारक में पहुंचे राज्यपाल, बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि। लता मंगेशकर के निधन पर जताया शोक। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन, सीएम जयराम ठाकुर ने जताया शोक। कहा युवा पीढ़ी आज भी गुनगुनाती है उनकी गाने। पूर्व मेयर ने सरकार पर साधा निशाना, नगर निगम की कार्यप्रणाली पर लगाया आरोप। बर्फबारी से निपटने के लिए किए गए दावों पर सरकार भी फेल। किसानों की भूमि को लौटाना, ग्रास से मिलेगा छुटकारा। झाड़ियों से तैयार होंगे फायर ब्रिगेड से फायर नीडल पॉलिसी के तहत किया गया प्लान। जिले में हो रहे चोरों के हौसले बुलंद, चोरों ने एटीएम को बनाया निशाना, चोरी में हुए काया नाकाम। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राज्य शहीद स्मारक में पहुंचकर के बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। उन्होंने कहा कि शहीद स्मारक आना उनका सौभाग्य है, हमारे जवानों का बलिदान बहुत बड़ा है, उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत की सेना आज विश्व के देशों में सबसे मजबूत सेना है। हमारे सैनिक मजबूती के साथ सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, जिन पर हम भारतीय को उन पर गर्व होना चाहिए। वहीं राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सुर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर भी अपना दुख प्रकट किया है। लता मंगेशकर, जिसे पूरे दुनिया लता दीदी के नाम से जानती है, उनका देहांत बहुत ही दुखदायक है। पिछले कई सालों से उन्होंने सुरों की दुनिया में राज किया है, और खास करके मैं गोवा से आता हूं और लता दीदी गोवा की ही है। उनका पूरा परिवार लता मंगेशकर परिवार, मंगेशकर परिवार, उनके पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर, वो पूरा परिवार गोवा से है। और जिस परिसर में मंगेश देवस्थान है, वहां से वो सब परिवार है। तो लता दीदी की एक अपने गोवा से जो एक लता दीदी की रूप में पूरे दुनिया को, सुरों की दुनिया के लिए जो एक प्रकार का योगदान मिला है, वो बहुत ही, उसका कोई अर्थ हम कर नहीं सकते, उसका कोई, उसकी भी कीमत हम नहीं कर सकते। आज एक तरीके से लता दीदी जाने के बाद जो एक सूर थे वो अनाथ हो गए हैं, ऐसा मुझे लगता है। महान गायिका लता मंगेशकर के निधन से देश भर में गम का माहौल है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी के निधन की जो खबर है वो अत्यंत दुख देने वाली है। उनका जाने से देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में क्षति पहुंची है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनका योगदान पूरे फिल्म जगत और कला क्षेत्र में भुलाया नहीं जा सकता है। और साथ ही यह भी कहा कि युवा पीढ़ी आज भी उनके गानों को गुनगुनाते हुए नजर आती है और उनके याद करते हुए नजर आती है। उनका जाना बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। कला क्षेत्र में उनका अनुकरणीय योगदान इस जगत से जुड़े हुए समस्त कलाकारों को सदैव प्रेरित करता नजर आया है। ये बहुत ही दुख का विषय है कि स्वर कोकिला और भारत रत्न लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच में नहीं रही। निश्चित रूप से पूरे देश के लिए, और देश क्या मैं समझता हूं, पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। लता मंगेशकर जी का बहुत बड़ा एक योगदान फिल्म जगत में, जो जितने भी मशहूर गीत हुए हैं, और फिल्म जगत के अलावा बाकी जितना भी उनका कला के क्षेत्र में एक योगदान रहा है, उसको कभी भी भूला नहीं जा सकता है।
आज भी नई पीढ़ी लता मंगेशकर के उन पुराने गानों को उसी तरह से याद करते हैं, उनको गुनगुनाते हैं। और उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी क्षति जो लता मंगेशकर के जाने से हुई है वो अपूर्णीय क्षति है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, यही प्रार्थना करता हूं। सीपीआईएम नेता और पूर्व मेयर ने सरकार और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर कुव्यवस्था के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शिमला शहर और अन्य क्षेत्रों में जनजीवन बर्फबारी के कारण पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है। सरकार और नगर निगम ने बर्फबारी से निपटने के लिए कई दावे किए थे और प्रबंधन की अब ये सभी दावे पोल खोलते हुए नजर आ रही है। सरकार और नगर निगम की कुव्यवस्था के कारण ही प्रदेश की राजधानी शिमला में सड़कों और रास्ते पूरी तरह से नहीं खोल पाए हैं। और अभी तक उन्होंने कहा कि सरकार की कुव्यवस्था के कारण ही अब बर्फबारी से शिमला शहर में व्यापक नुकसान हुआ है। शहर में 60 से अधिक पेड़ गिरे हैं और साथ ही साथ ऐसे निजी और सरकारी संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की जिला कमेटी का मानना है कि ये जो हाल ही में बर्फबारी हुई है इससे सरकार व नगर निगम के जो निपटने के लिए प्रबंध किए गए थे वो पूरी तरह से जो है वो विफल रही है और सरकार व नगर निगम के जो दावे बर्फबारी से निपटने के थे उसकी पोल जो है वो खुली है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं पिछले दिनों जिस दिन से बर्फबारी हुई है आज प्रदेश की राजधानी शिमला व इसके साथ लगते जो जिला के अन्य इलाके हैं आज भी मुख्य मार्ग जो है वो सुचारू रूप से खोले नहीं गए हैं। बस की सेवाएं जो है वो चल नहीं रही है। बहुत से अधिकांश इलाकों के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं बिजली की पानी की उससे जो है वो जनता जो है वंचित है। हमीरपुर जिला में अब जंगलों और किसानों की भूमि को लौटाना ग्रास की झाड़ियों से छुटकारा मिलेगा। दरअसल बता दें कि हिमाचल के कई जिलों में लौटाना ग्रास की कटीली झाड़ियों की वजह से खेती की जमीन भी बर्बाद होती है। इसके अलावा ही जंगलों में भी फलदार और अन्य पौधों को उगाने में यह बाधा बनती रहती है। ऐसे में अब लौटाना ग्रास को हटाने के लिए वन विभाग हमीरपुर ने नई योजना तैयार की है। बता दें कि कटीली झाड़ियों से फायर ब्रिगेड और साथ ही जो फायर ब्रिगेड्स हैं उसको तैयार किए जाएंगे। हमीरपुर जिला में इसके लिए एक औद्योगिक इकाई भी स्थापित की गई है। वहीं साथ ही प्रदेश सरकार की पाइन नीडल पॉलिसी के तहत ही हमीरपुर जिला में यह प्लांट स्थापित किया गया है। जहां पर अब जो ये लौटाना ग्रास है उसकी वजह से उसकी जो झाड़ियां हैं उससे अब लोगों को छुटकारा मिल जाएगी। जैसे कि हिमाचल प्रदेश के अब कई जिलों में ये कटीली झाड़ियां होती थी जिसकी वजह से खेती में भी काफी नुकसान पहुंचता था और साथ ही खेती भी बर्बाद हो जाती थी कई बार। इसको लेकर के अब लोगों को और जो किसान है उन सभी को इस मामले में अब एक राहत भरी खबर है कि अब इससे इंसान उनको छुटकारा मिलेगी। जो जंगली जानवर थे उनमें भी फलदार और अन्य पौधे के उगाने में भी ये झाड़ियां बाधित होती थी जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। हालांकि उन सभी के लिए एक अच्छी खबर है कि अब किसानों की भूमि जो है उसमें लौटाना ग्रास की झाड़ियों से अब छुटकारा मिलेगा जिससे कि फलदान और साथ ही जो फल उगाने और जो जमीन बर्बाद हो रही थी उन सभी समस्याओं से अब इनको छुटकारा मिलेगी। लेंटना जो एक इन्वेसिव वीट माना जाता है तो इसको कैसा हटाना है जंगल से मोस्टली कि ये खेत और जो जंगल में ऑलरेडी जो हमारा इंडिजिनस नेटिव स्पीसीज को एक खत्म करने का ये पोटेंशियल वीट है तो उसको हटाने का ये जो प्रोग्राम है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का 2000 से चला हुआ है। तो हमारा हर साल ड्यूरिंग विंटर सीजन हम टारगेट उसको ले लेते हैं। इस साल हमारा 40 हेक्टर हमीरपुर फॉरेस्ट डिवीजन में ऐसा एरिया में हम लैंटना हटा रहे हैं। उसको एक हटाने का मेथड भी अलग से रहते हैं कि हम कट रूट स्टॉक मेथड बोलते हैं कि ताकि उसको मतलब दूसरा फैलने का चांस स्प्रेड होने का चांस जो है वो कम हो जाए।
नालागढ़ में आए दिन चोरी की घटनाएं देखने को मिलती रहती है। वही ताजा मामला नालागढ़ के सोवन माजरा का है, जहां पर चोरों ने देर रात 12 बजे के करीब HDFC बैंक के ATM को अपना निशाना बनाया है और साथ ही चोरों ने ATM मशीन का दरवाजा तोड़ करके और साथ ही मशीन के जो कई पुर्जे हैं वो भी खोलकर तोड़ दिए हैं। गलीमत यह रही कि चोर ATM से पैसे निकालने में असमर्थ रहे, वहीं उनकी सारी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं मामला की जानकारी देते हुए SHO नालागढ़ ने यह बताया है कि पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दिया है और आसपास लगे हुए सभी CCTV कैमरों की जांच की जा रही है और कहा है कि जल्द ही चोर पुलिस की गिरफ्त में आएंगे। यहाँ पर पुलिस लगातार चोरों पर शिकंजा कसने का काम करे, लेकिन ऐसे में चोर अपने हौसले को बुलंद दिखाते हुए लगातार पुलिस को हर एक मामलों में पुलिस को टारगेट करते हुए नजर आए हैं। जहां पर एक और चोरी का मामला सामने आया है, जहां पर चोरों ने मिलकर के ATM से पैसे उड़ाने की कोशिश की है, लेकिन हालांकि वो नाकाम साबित हुए। वहीं ATM के जो गेट थे और साथ ही जो ATM मशीन थे उसमें भी छेड़छाड़ की गई है, उसके साथ भी तोड़फोड़ की गई है। हालांकि इस पूरे मामले को CCTV कैमरे ने अपने अंदर कैद कर लिया है, जिसके बाद पुलिस अब इन सभी साक्ष्यों के आधार पर ही जो चोर है उनकी गिरफ्तारी के लिए जुटी हुई है और साथ ही आखिर वो कौन लोग थे और वो चोर कौन से थे उसके बारे में भी पुलिस CCTV के फुटेज के आधार पर ही पुलिस छानबीन कर रही है। वहीं पुलिस ने जल्द से जल्द चोरों की गिरफ्तारी को लेकर भी बात कही है। ATM की चोरी नहीं हुई है, पर ATM को ब्रेक करने की कोशिश की गई है और हमने उसमें अभियोग भी पंजीकृत कर लिया है। उसमें कल मैं भी स्वयं मौके पे गया था, जनाब DYSP साहब भी मौके पे गए थे, तो कैश कोई निकला नहीं है, लेकिन वो ब्रेक जरूर किए हैं ATM, तो उसमें गहनता से जांच कर रहे हैं और अपेक्षा करते हैं कि शीघ्र ही अभियुक्तों को जो है सलाखों के पीछे कर दिया जाएगा। के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, हम डिटेल में कार्रवाई कर रहे हैं, हमने अपने थाने की साइबर टीम जो लगा के रख दी है उसमें हम सारा डिटेल में कर रहे हैं उसको। हिमाचल प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज़।